आपने एडी से स्टार्ट किया था जैसे आपने बताया अभी, तो एकदम से मुझे अक्स याद आ गई. सो हाउ वाज दैट कि मतलब आपने चूज किया था, आपको एक्टर बनना था या आपको फिल्म मेकिंग करनी थी? मुझे बस एक सेट पे रहना था. अच्छा. मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी सेट पे. मैं उसके पहले बहुत सारी चीजें कर चुका था जिसमें मुझे कोई खुशी नहीं मिली. जैसे मैंने स्टॉक मार्केट में काम किया एक साल के लिए, तो पहले आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, देन आई लॉस्ट इंटरेस्ट. Then I worked for an export company. I worked with my dad in his construction company. I also, at one point, was working in a company where, which had started with a friend of mine, where we were planning to export mangoes to Hong Kong. तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें कर चुका था मैं. और मुझे actually honestly कुछ मजा नहीं आ रहा था. And then I went on to a movie set, and I was like, I want to be here for the rest of my life. तो after production assistant, when I became an assistant director, I just wanted to be involved with the movies. But I think halfway through I had realized that I want to act, because जब भी किसी की जरूरत होती थी मार्क पे स्टैंड करने के लिए मैं चले जाता था. कोई लाइन्स पढ़नी है मैं पढ़ा होता था. कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं आया तो मैं उसका काम कर रहा होता था. तो एक दिन राकेश ने मुझे बुलाया, ही सेड, यार देख तू मतलब कैमरा से पीछे तो ज्यादा कैमरा के आगे ही रहता है, तो तुझे बनना तो एक्टर है मुझे लगता है, तो वाई डोंट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट. So Meenakshi happened then. Meenakshi, and yes, yeah. Rang De Basanti happened at the same time actually. Exactly, yeah, almost same. So MF Hussain ke saath kaam karna aur Tabu ke saath kaam karna, matlab ekdam hi first film. So wo experience rahta, dar tha ki kya? I mean, it was intimidating to begin with, Tabu, and also Raghubir Yadav, who's such a fantastic actor. Yeah, exactly. Aur उस फिल्म के गाने इतने अच्छे, गाने बहुत अच्छे थे पिक्चर के. एग्जैक्टली. मतलब मैं आपको देख रही थी ना, मैं सीरियसली बोल रही थी कि मुझे दो गाने याद आ रहे, एक ये रिश्ता क्या कहलाता है वन, एंड दूसरा ओ गॉड दैट इज लाइक कल्ट सॉन्ग. या इट्स अ रियली गुड सॉन्ग. तो यू हैव बीन एसोसिएटेड विद गुड सॉन्ग्स आल्सो. आई हैव, यस यस, आई हैव बीन लकी विद द सॉन्ग्स एंड स्टफ. बट यू नो, वर्किंग विद हुसैन साहब वाज सच अ more than just the movies, it was just such a learning experience of life. Yeah, I would have gone and been a tiger. Yeah, I mean, he's just such a interesting man. I mean, मेरे को याद है, मैं एक बार जैसलमेर में हम लोग शूटिंग कर रहे थे और मैं बाहर बैठा हुआ था अकेले, और वो मेरे पास आए and he said, क्या हुआ? I said, कुछ नहीं, तो just a little bored because I didn't have shooting that day. तो he said, यार तुम लोग बोर कैसे हो जाते हो? अच्छा. मतलब बोर होना भी मतलब कोई चीज होती है, क्योंकि अगर आप मुझे एक फूल दे दो, मैं वो फूल को दो दिन देखता रहूंगा और बोर नहीं होऊंगा. तो तुम इतनी जवानी में बोर कैसे हो जाते हो? मतलब कुछ, हाउ कैन यू नॉट बी एंगेज्ड व्हेन देयर इज सो मच टू बी एंगेज्ड इन? हाउ डू यू हैव द टाइम टू बी बोर्ड? सो दैट वाज द सॉर्ट ऑफ थिंकिंग दैट ही हैड, एंड इट वाज जस्ट सो इंटरेस्टिंग. इनफैक्ट व्हेन वी शॉट द फिल्म ही वाज 87. या, एंड इवन देन ही वाज जस्ट सो एक्टिव, अप एट 4 o'clock, गोइंग फॉर अ वॉक, पेंटिंग, वेयर एवर ही वेंट ही वांटेड टू पेंट. देयर वाज जस्ट सो मच पैशन, सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम. And वो उनका कितना मतलब जैसे कहते हैं participation था film में, like totally? Yeah, of course it was him and his son that were doing it together. अच्छा. But obviously a lot of it came from him. अच्छा कुणाल, आपको तो लिखने का भी मतलब आप कहते हो कि it comes naturally to you, मतलब चाहे 10-11 years से आप कह रहे हो मतलब था तब लिख रहा था. तो अभी जब मतलब when you were not working, जैसे एकदम आपको आपके type के role नहीं मिल रहे थे, बिल्कुल, तो then you started writing. Correct. You said. तो वो उसके लिए मतलब ऐसे कुछ specially you read something या दिमाग में आता है वैसे and you just? मैं actually मेरे दिमाग में जो भी आता है मैं लिख लेता हूँ. So I have lots and lots of diaries in which I've made lots of notes. And dear diary वाले हो आप? Dear diary type, हाँ. Should you say? हाँ, लेकिन वो मतलब not necessarily soppy. हाँ. कि आज मेरे साथ ये. Blackmail नहीं कर सकते diary के through. कर सकते हो. कर सकते हो. Nice. लेकिन तो उसमें मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी हुई थी जो मैं पिच में स्क्रिप्ट्स बनाना चाहता था. एंड अ फ्यू इयर्स बैक आई स्टार्ट डूइंग दैट. फर्स्ट फिल्म दैट वी वर्क्ड ऑन वाज अ फिल्म कॉल्ड लव शब्द चिकन कुराना. फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया. अब फिलहाल एक खत्म हो चुकी है जो मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ. And hopefully that will happen at the end of this year. तो ऐसा कुछ है कि मतलब आपके मनपसंद रोल नहीं आ रहे थे तो आपने सोचा कि why not to just write it? नहीं, वैसे भी actually मुझे लगता है कि अगर मनपसंद रोल आ भी रहे होते फिर भी मैं लिखता, क्योंकि मुझे लिखने का शौक है. और आई थिंक एज एन एक्टर बहुत मजेदार होता है कि अगर आप अपने किस्म का रोल आपके लिए अपने खुद के लिए डेवलप कर पाए. क्योंकि क्या होता है अक्सर के
लोग आपको एक ही किस्म के रोल में देखते हैं और वो चाहते हैं कि आप बार बार वही चीज करो, लेकिन आप जानते हो एज एन आर्टिस्ट व्हाट ऑल यू कैन डू, सो इट्स एक्साइटिंग टू राइट दैट फॉर योरसेल्फ। और आपका पीरियड ड्रामा से भी थोड़ा सा लेना देना है ना? पीरियड एक की थी मैंने पिक्चर वीरम, जो शेक्सपियर से इंस्पायर थी, मकबैथ से। तो आपको वो इस जॉनर में जाने में अच्छा लगता है क्या? मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि बहुत देर बाद एक डायरेक्टर आया, उन्होंने कहा, एक तो बहुत मंजे हुए डायरेक्टर है, नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं 3 बार, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मकबैथ प्ले करवाना चाहता हूँ। मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था, क्योंकि अप अंटिल देन एवरीबॉडी वाज ऑफरिंग मी ओनली द गुड गाय, यू नो, कि ये तो बहुत अच्छा है यार, इसको शरीफ वाले रोल देते हैं, ये पैसिफायर, जैसे रंग दे बसंती में आई वाज द गाय हु वाज द गुड गाय, प्लेजेंट प्लेजेंट पैसिफायर, यू नो, रोमांटिक, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। एंड देन सडनली समबडी केम एंड सेड आई वांट यू टू प्ले मकबैथ, एंड दैट वाज सच अ रिफ्रेशिंग थिंग फॉर मी, बिकॉज so much to do. You start off as this honest noble guy, get consumed by power, go completely crazy, realize your folly. I mean, there was just so much in that character. So he was actually, Macbeth is the anti-hero in a way as well, which was very exciting. Nice. और आप दोनों में तो एक कॉमन चीज भी है ना, मैं भी एकदम से सोच रही थी, आमिर खान आमिर खान। हाँ, हम दोनों काम कर चुके हैं और इन्होंने और हम एक दूसरे के साथ भी काम कर चुके हैं। सोचो आप दोनों की कोई मेमोरीज है आमिर खान के साथ काम करने की? ऑफ कोर्स होंगी। I mean, Amir is a huge prankster. Haan, I want to know the prank. No, he's always up to something or the other. It's very dangerous to be on a set with him. Because you never know what he's going to do. He's always got some plan or the other. So every 2 days, there's a plan. Rang De Basanti ka koi yaad hai aapko prank aisa? Bahut saare the, yaar. There was so many, there was so much that happened on the set. I mean, I remember once he had, it's a really funny story. It's when we were starting Rang De Basanti. I had met him for the first time. अच्छा पहली बार ही उनसे मिला था सेट पे? नहीं सेट पे नहीं, हम लोग जब वर्कशॉप शुरू कर रहे थे। अच्छा और तो I met him for the first time and I was driving home and I was passing the house of this girl I was sort of dating at that point of time. And I sent her I thought I was sending her a message saying very cheesy message. Tell us please. Very very cheesy saying. Also I was younger. Very cheesy message saying you know passing by a house still thinking about how lovely your hair smells. और मैंने आमिर को भेज दिया क्योंकि it was double A so his name is right on top. तो उसको message चला गया तो he messaged back saying what? So he must have thought what a strange film because he was doing Mangal Pandey. So he has long hair. He must have thought कि वो this guy on. तो उसके बाद I sent him a message saying sorry it wasn't for you and that was a mistake I made because he messaged back saying who was it for so I didn't reply and he said if you don't tell me who it was for I'll make your life very difficult when we shoot this film. So I told him who it was for and then he saved those messages. Achha. And I thought he said no it's okay so what is this about and this and that and I sent him all these messages because like, Sare messages bhej diya. Nahin, us, matlab, apni taraf se conversation. So he saved the whole conversation. And he said that now if you don't do what I'm telling you to do on the set. Blackmail. Bully. This conversation is going to go to everybody. Oh God. So he got me to do a lot of things that I didn't want to do on the sets. Okay. And aapka ye scene tha, aap to bahut chote the gaye, but still kuch aise yaad hai whenever you meet now, ab unse milte ho to kaisa hai scene? I've not met him in a really long time, but I remember on Fana, what I do remember is he would have a Rubik's Cube in his hand. A lot. Achha. And that used to be fascinating because I didn't know what kitne jaldi bana lete the wo kafi jaldi he can do it in some 21 seconds yeah. So faster not yeah you would always have a Rubik's Cube in his hand and I mean he's a lot of fun as a person and I remember I mean see he's Mr. Perfectionist so he's always focusing on his craft and his the scene and all of that and I remember there would be these moments where he would suddenly ask me completely out of context questions about me and my life. And he would talk to me like I'm an adult, which was very sweet. Now that I remember. Back then. Yeah. He would talk to me like I'm an adult. You know, he would ask me these very meaningful questions and all of that. I can't remember, but I do remember having like these one-on-one heart-to-hearts right before we would call the shot, you know, when those last minute lighting changes and all are happening. And it was a lot of fun working with him. I used to observe him a lot. He's very into the scene. And it's still there in my head. मतलब जब आप अभी बातें कर रहे थे ना तो मुझे एकदम से याद आया कि मुझे ना आपको डोगा कपूर बोलना चाहिए था। हाय। क्योंकि मतलब इतना एक्साइट हो गए थे सारी जनता हो गई थी एंड अभी भी है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि उसका क्या स्टेटस है मतलब अभी पता नहीं मुझे फिलहाल क्या हो रहा है उसका अभी शेल्फ्ड है फिलहाल शेल्फ्ड है अच्छा
वो हर कुछ सालों बाद रिवाइव होती है और कुछ सालों बाद शेल्व हो जाती है, तो अब पता नहीं फिलहाल क्या हो रहा है. बट इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट, सो आई एम श्योर आपने बहुत सोचा है. सुपर हीरो based on a comic book, yeah, like an Indian comic. Raj comics. Raj comics. Doga. Doga. Like, of course, I all love Doga. Yeah. And I think you also love Doga. I do, of course. है ना? Because that's why you call it hashtag dream project. Correct. है ना? Correct. तो ये बताओ कि dream project जब बन रहा था, जब आपकी सारी discussions हो रही थी, आपने काम किया है अनुराग कश्यप के साथ पहले भी और इस पे भी, तो कैसी डिस्कशन होती थी आप लोगों की? पहले तो नहीं काम किया था. This was the first project that we were supposed to work on together. अच्छा. Lekin it fell through because there was some problem with the producer at that point of time. And then, you know, I got busy with something else. Anurag got busy with other stuff. I mean, we were obviously very, very excited because both of us were, you know, fans of Doga and the comics. And we felt like it had potential to be so much. Exactly. Kyunki yahan par when you see superheroes in our films, they're all like... it's all very sort of sanitized, and Doga is such a dark, gritty character. So we obviously were very excited about it, but unfortunately it didn't happen at that point of time. But I'm sure ho hi jayega workout kisi na kisi tarike se. But to aap Doga matlab kitna relate karte ho aap Doga se, because of course the height and the build says ki you are perfect for it, hai na? But uske liye of course aapko Hulk like body thodi si to banani padegi, wo training to aap karoge. That's like the part of it. But aapko aisa lagta hai ki aur kya kya karna padega aapko agar aapko Doga bahut kuch karna padega. I mean, it's a very difficult, complex character. Ha. And not just Doga, but also Suraj. Haan. To play Suraj as well. So yeah, of course, there'll be a lot of work that goes into it. So socha tha kuch aapne us time pe ki main ye karunga. Physically, I mean, obviously, I'd start working on a lot of stuff. Acha. Uske upar bahut kuch karna shuru kar diya tha maine. But we never got to a place where we had to start sort of emotionally preparing for the character. Okay. तो आपके जो डिस्कशन सेशंस होते थे वो हाउ फार इट लाइक वी वर एक्चुअली जस्ट वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी हैड अ फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द स्क्रिप्ट व्हिच वी फेल्ट कुड हैव बीन बेटर सो देयर वाज वर्क गोइंग ऑन द सेकंड ड्राफ्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम.